हेलो गाइस, देखो अभी हमारा हो रहा है लंच और मैडम ने देखो कितना आइटम बना दिया है। कहाँ कहती हैं कि सब्जियां नहीं है घर में। आप देख सकते हो चपाती, बैंगन का भरता, आलू बैंगन की सब्जी, बूंदी का रायता, पापड़, ये मिर्ची तली हुई और ये खीरा। और अगर जिसको नींबू चाहिए वो नींबू ले सकता लेकिन है। मेरी फेवरेट इसमें से बताओ कौन सी चीज है। एक तो ये है, और एक भरता। ये है और ये है। ये बैगन आलू की सब्जी मतलब खा लेती हूँ, पर इतनी नहीं है। पापड़ भी ज्यादा नहीं है और ये भी मुझे तो ज्यादा। आज पता नहीं मैडम को क्या हुआ है, आज भर के ताली मतलब सजा के मिलेगी खाने को। अच्छा, वैसे कि मैं देती नहीं हूँ खाने। वैसे देती हो पर वो इतने आइटम एक साथ बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो ये लक्ष्य की थाली, ये लक्ष्य की थाली है, सेम थाली सबको मिलेगी तो लक्ष्य की क्या है मतलब ये सेम आइटम। थाली नहीं मिलेगी, इसमें कम सब्जी है, ठीक है, कम भरता है, हाँ तो वो कम खाता है ना, इसलिए वो तीखा थोड़ा कम और खाता वो है। मिर्ची भी नहीं खाता है। बट ये वाली मिर्ची ज्यादा तीखी नहीं रहती, और मेरे हाथ देख सकते हो आटे के, क्योंकि मैं रोटियां बना रही हूँ। तो चलो तुम गाइस आप खाओ। भी तो करिए लंच और हम भी कर रहे हैं लंच। थैंक यू सो मच। इनको अपनी चीजों का ख्याल ही नहीं रहता है। आप लोग देख सकते हो ये एमआई बैंड वाली वॉच है इनकी। जो इनका बैंड था ना, वो पता नहीं इन्होंने पहले ऑर्डर किया था पिछले साल। दो किए थे ना जानो, तीन हाँ किए, दो ही थी। दो थे, दो थे। दो का पैक था, गुम हो गया, फौजी मिल के नहीं रहा तीन इतना में था। देखा हम लोगों ने। तो अभी इन्होंने दूसरा बुक किया ये दो का। अभी अब की बार पर दो मैं का पहनूंगा, ये वाला लक्ष्य पहनेगा। पर और मैं ये पहनूंगा ना इसमें वो, तो इसको निकाल के इसमें लगा के पहन सकते हैं। हाँ लेकिन क्वालिटी अच्छी है जानू इनकी। हाँ, वाह, इसमें ज्यादा अच्छा लग रहा है जानू, इसमें बहुत इसमें मजा लग रहा है। मैं अच्छा पहनना लगूंगा पहनना पहनना। इसमें। पापा अच्छे तो लगेंगे नहीं, अच्छा ये बच्चों के अब लिए ये डिसाइड करेगा जानू। ब्लू वाला बच्चों के लिए रहता है हमसे। बताना। वाह जानू, वाह ओहो, के तो मजे है। शॉपिंग पे शॉपिंग यार, मजे इतनी शॉपिंग है। और रख दो उसको, कितनी शॉपिंग। पैसे लगता है। मैं ये सोच रही थी कि उम्मीद तो मुझे ये थी कि तुम ये बोलोगे, तुम करती हो तब कुछ नहीं, हम करते हैं तो शॉपिंग, तुम्हारी शॉपिंग शॉपिंग, हमारी शॉपिंग कुछ नहीं। हमें कुछ बोलना ही नहीं है, क्यों अधिकार ही नहीं है हमको बोलना। मैं बोला ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूंगी नहीं। क्या मुंह पे भेज देती है, इतनी बड़ी इंसल्ट इस बंदे ने कर दी मेरी। अब चलो दोस्तों यहाँ रख देंगे, इस कचड़े को फेंक देते हैं, कचड़े के साथ साथ इसको भी फेंक देते हैं ना। अपने माल की सुरक्षा स्वयं करे। पापा इसको इसके अंदर रख दो। जूते ले लो, जूते ले लो, जूते ले लो, जूते ले लो। जानू ले रहे हो जूते? खाओगे? ₹10 में दे रही हूँ, बस ₹10 में। ये आपको फ्री में दे सकती हूँ ये वाले। तो दोस्तों ये मैं फेंक दूंगी इनको, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इनको। पहले वॉकिंग के लिए पहन के जाते थे, तो अभी वैसे वॉश हो जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं, बट अभी ये एनी इंटरेस्टेड नहीं है। और ये सारे शूज नए हैं लेकिन इन पे धूल चढ़ गई है, तो मैं इनको वॉश करने के लिए जा रही थी। ये अभी मतलब जो पहनते रहते तो हम इधर इसमें रख देते हैं। आप मैं वैसे पॉलीथिन डाल के रखती हूँ, बट फिर भी तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी धूल चढ़ गई है, तो मैं इनको साफ कर दूंगी। जैसे कि ये है स्लीपर, इनको मैं वैसे साफ करूंगी, थोड़ा गीला कपड़ा करके। ये भी ऐसे करूंगी, ये जूतियां भी ऐसे करूंगी, और जो ये भी ऐसे ही करूंगी। लेकिन जो सारे सूज वगैरह है ना, वो मैं सैंडल लक्ष्य की सारी वैसे वॉश करूंगी, यानी कि पानी से सर्फ से अच्छे से वॉश कर दूंगी। और जो नए हैं वो तो मैंने आपको दिखाई दिए कि मैं वहां पर रखती हूँ कवर्ड में अच्छे से बॉक्स में पैक करके। तो ये सारे अभी मैं वॉश करने के लिए जा रही थी, तो मुझे लगा कि एक बंदा है ₹10 में लेना चाहे तो ले सकता है। और इनको ₹10 में पर जोड़ी वॉश भी कर सकते हो जानू। मैं आपको ₹10 दूंगी पर जोड़ी वॉश करने के। ओके जानू, ओके। मैं खरीदूंगा ये, लक्ष्य खरीदेगा बोल रहा है। मैं खरीदूंगा ये धोतियां, ये जूतियां। लक्ष्य कह रहा है मैं ये वाली खरीदूंगा, क्योंकि ये वाली मैंने आगरा से बाई की थी, लेकिन जब मैंने बाई की तब से बस सिर्फ एक बार पहनी है, वो भी अभी पहनी है। और ये लक्ष्य के पैरों में सही आ रही है, पहनना लक्ष्य। ये लक्ष्य के पैरों में एकदम परफेक्ट आ रहे। हाँ तो तुम ही पहन लेना, ठीक है। तो वैसे भी लड़के भी पहनते हैं ना आजकल, ऐसी पहन रहे हैं लड़के। ये लक्ष्य का मेरा साइज सेम है, अगर लक्ष्य तुम सूज पहनो, सॉक्स पहनोगे ना तो अच्छे लगेंगे, ठीक है। पहनूंगा
लेकिन रूबी ये उसके संग कैपरी वगैरह के संग अच्छे नहीं लगेंगे, ये शेरवानी या कुछ कुर्ते। हाँ हाँ फोटोशूट करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं ज्यादातर ऐसे। ओहो फोटोशूट करवाना है, हे मैंने देखा। ओके ओके चलो चलो, तो भाई मैं लेट हो रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो मैंने सूज सारे वॉश कर दिए हैं, कुछ वॉश करने वाले वॉश कर दिए हैं। जो साइड में ये मेरी सैंडल लगी हुई है, दो चार ही थी मेरी, तो साफ करने के लिए ये मतलब ऐसे ही मैंने साफ किए हैं, वॉश नहीं किया। यानी कि इनको अनिल के एक दो सूज थे उनको भी मैंने वॉश नहीं किया, जैसे कि ये दोनों, और ये सारे मैंने वॉश किए हुए हैं। और तो ये हमारे जल्दी जल्दी हम कहीं जाते हैं तो ये सूज पहन के जाते हैं, तो ये अभी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। और ऐसा लग रहा है मेरे घर पर चप्पल जूतों की दुकान लगी हुई है, तो इनको थोड़ा ड्राई होने दो, सूखने दो। और सारे सूज की रिबन इसमें डली हुई है क्योंकि इसको भी मैंने ड्राई किया था, तो अभी देख सकते हो आप थोड़ा ही बाकी है, थोड़ी देर में ये एकदम ड्राई हो जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मशीन में मैंने ड्राई कर लिया है इनको। बस आज मेरा बहुत बड़ा काम हो गया है जो कि मैं करना चाह रही थी, फाइनली हो गया। और ये सब क्यों हो रहा है ये आपको आगे मालूम चलेगा कि मैं ये सब तैयारियाँ क्यों कर रही हूँ। तो आज मुझे बहुत सारा काम है तो बस कर लेती हूँ, अभी खाती हूँ खाना। और समय हो रहा है आप लोग देख सकते हो 4:15, और अभी मैं खाना खाने के लिए जा रही हूँ। तो जस्ट अभी मैं खाना खा के हो गई हूँ फ्री, तो मैंने अनिल से पूछा था कि इनको बाहर रख दूँ क्या रेलिंग पे, तो अनिल ने बोला कि नहीं अंदर ही, क्योंकि बाहर क्या कि हवा चल रही तो थोड़ी बहुत धूल भी आ जाएगी। इसलिए वैसे तो मैंने एकदम वॉशिंग मशीन में एकदम ड्राई कर लिए थे उसको ड्रायर में, तो सूज जिसे एकदम मतलब पानी उनका निकल गया तो थोड़े बहुत ही टाइम लगाएंगे। और बहुत अच्छा फील हो रहा है। और आज मैंने कपड़े भी वॉश किए थे जो नए कपड़े थे वो, तो मैं आज सोच रही हूँ अनिल के कुछ कपड़ों पर प्रेस कर दूँ, बहुत टाइम हो गया मुझे करना तो है ही, तो आज मैं कर लेती हूँ। और मैंने ब्लाउज भी स्टिच कर लिया है अपना एक, तो उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कहाँ रखा हुआ है। चलो अभी आज थोड़ी देर बाद दिखा दूँगी ब्लाउज भी, तो मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा आराम क्योंकि अभी जस्ट खाना खाया है ना इसलिए। और आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ है, और अनिल जाएंगे शायद कटिंग करवाने के लिए, लक्ष्य भी जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, क्यों का क्या कैसे, वो आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इसलिए आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होता है ना कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वैसे तो ज़्यादातर मैं 12 बजे ही अपलोड करती हूँ, बट मैं शॉर्ट वीडियो या कभी कभार वैसे ही वीडियो अपलोड कर देती हूँ ब्लॉग्स वगैरह 4 या 5 बजे के समथिंग। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत आज जब ऐसे से काम करने लगते हैं ना तो मन का बोझ ना थोड़ा सा हल्का हो जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे तो मेरे जो कभी कभार पहनती हूँ या मैं मुझे लगता है कि नहीं जो नए रखे हैं उनको तो मैं आपने देखा ही होगा पिछले 1-2 ब्लॉग्स में, शायद मैंने बता भी दिया है कि मैं कहाँ पर रखती हूँ उनको। अनिल का आ गया कॉल, वो कर रहे हैं ऑफिस का काम। चलो दोस्तों, तो अभी जस्ट लक्ष्य सो के उठा हुआ है और ये दोनों जा रहे हैं बाप बेटे कटिंग करवाने के लिए। अच्छी कटिंग करवा के आना जानो, बिल्कुल गंजी करवा, नहीं जानो अपनी थोड़ी थोड़ी सी करवाना जानो, ज्यादा नहीं करवाना अपनी, ठीक है। लक्ष्य कटिंग करवा के आ चुका है और इसने हेयर में ऑयल नहीं डाले, बताना लक्ष्य थोड़ा हाथ लगा के बालों में, सही से कटिंग नजर नहीं आ रही ऐसे करके, थोड़ा ऐसे बालों को निकालते नहीं है हाथों से ऐसे। हाँ ओए होए बता दो का अंबर का कपड़ा होगा कि आकाश, आकाश अंबर मिस आकाश अंबर, हाँ आकाश में पता होगा। हाँ तो ये कर रहा है अपने स्कूल का कुछ वर्क, और इधर आओ इधर आओ। मेरे पतिदेव जी हैं और आज से मैं इनको बंदा नहीं बोलूंगी। और सुनो, इन्होंने कल से मुझे मेहंदी भिगो के रखवाई थी और सुबह में इन्होंने मुझसे बोला कटिंग करवाने जाऊंगा उसके बाद मेहंदी लगाऊंगा वरना वेस्ट चली जाएगी। तो अभी ये मेहंदी लगा के जा रहे हैं नीचे, तो मैं इनसे बोल रही हूँ माचिस रख के ले जाना क्योंकि हमारी मम्मी वगैरह पहले हमसे बोलती थी। अरे बहुत नजर लगने वाली, बकवास नजर नहीं, तुम्हारी मम्मी जब मेरी शादी हुई थी तब नहीं बोलती थी, तो शादी वाली बात अलग होती है, मेरी दूसरी शादी दोस्त की शादी की मेहंदी लग रही है। तुम तो ये सोच लो कि दूसरी शादी हो रही है, हल्दी लगती है तब बोलते हैं कि भैया घर से बाहर मत जाना जब हल्दी चढ़ जाए तेल चढ़ जाए। जानो आप कैसे लग रहे हो गंजे जैसे हैं? वो बोलते हैं ना जानो कि इंसान के पास पैसा आने लगता है ना तो बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इंसान के पास कष्ट आने शुरू हो जाते हैं तो क्या होता, तब शकल भी डाउन होने लगती है। नहीं तब उसकी औरत आ गई होने।
तो जो कल रात तक मैंने जो ब्लाउज सिला था वो ये ब्लाउज है, एकदम रेडी हो गया है। इसमें हुक भी लगा दी है मैंने, और जो वर्क था कुर्ती में वो आगे मैंने इस साइड ले लिया है, जो कि एकदम अच्छे से दिखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैंने स्लीव्स नहीं लगाई हैं, स्लीव्स की जगह पे मैंने यहाँ पे चिन्नट डाल के इस टाइप से लगा दी हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इसका मतलब सिंपल ब्लाउज की कटिंग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आगे का गला मैंने राउंड रखा हुआ है और पीछे का गला मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है इसका। तो ये है पीछे का गला, आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा वर्क है। जो कुर्ती में वर्क था ना वही है, एक बटन थी तो मैंने यहाँ पे लगा दी है और एक बटन ये टसल के ऊपर लगा दी है साइड में, क्योंकि इस साइड पल्ला आएगा तो इस साइड ये अच्छा दिखेगा बहुत अच्छे से। आगे लगाने वाली थी लेकिन आगे वर्क था इसलिए, और ये स्लीव्स की जगह पे आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा लुक आ रहा है। पीछे से भी आप लोग देख लीजिए, विदाउट इनर का है, गर्मी भी नहीं लगने वाली है। कुर्ती मेरी रखी थी तो मैंने सोचा किसको दूँ किसको दूँ। पीछे का गला मैंने 3 इंची का रखा हुआ है और देख सकते हो इसमें मैंने स्लीव्स नहीं लगाई ना, तो फिर इस वजह से मैंने इसके शोल्डर्स थोड़े ज़्यादा लिए हैं। और सिंपल ब्लाउज की कटिंग तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, सेम उसी टाइप से मैंने ये स्टिच किया हुआ था। तो कैसा लगा आपको ये ब्लाउज? मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है, विदाउट इनर का है तो गर्मी भी नहीं लगने वाली है, और मैंने इस पे आज आई हुक भी कर ली है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो जल्दी ही शायद कल ही पहनूंगी मैं इसको, और आगे वाले आने वाले ब्लॉग्स में भी आपको पहन के देखने के लिए मिल जाएगा, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और आप भी ऐसे अपनी कुर्तियों से, जो कि नई कुर्ती क्योंकि जो फट जाती हैं और जो मतलब बहुत ज़्यादा अपन ने यूज कर ली है उनको ऐसे सिलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर मेहनत फालतू की जाती है। तो ये मैंने ज़्यादा पहनी नहीं थी तो मैंने सिल ली, और स्लीव्स में इसमें मैंने नहीं लगाई हुई है, इसका कपड़ा बचा हुआ था स्लीव्स के लिए भी, बट मैंने लगाई नहीं। मैंने सोचा छोड़ो स्लीव्स कौन लगाए, तो मैंने चिन्नट चिन्नट डाल के थोड़ी सी मैंने यहाँ पर फ्रिल लगा दी है, और बहुत ही प्यारा इसका लुक आ रहा है। इसमें वर्क है ना इसलिए अच्छा आ रहा है लुक इसका, देखो हैवी सा लग रहा है ना, जैसे कि आप किसी भी अच्छी साड़ी के साथ वियर कर सकते हो, देख सकते हो है। जल्दी पहनूंगी मैं इसको, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। कुछ भी नया सिलती हूँ या कुछ करती हूँ तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, लेकिन क्या होता है समय की थोड़ा मतलब समय नहीं रहता मेरे पास, और सूज में सुबह में रखूँगी रिबन लगा के, क्योंकि रात भर अनिल ने बोला कि रात भर भी उनको सूखने दो। अनिल ने मेहंदी लगाई थी तो वो फिर से नहा लिए हैं, और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। मैंने और लक्ष्य ने मैगी खा ली थी, लक्ष्य का क्लास का काम हो गया, लक्ष्य अपनी ये लेके जाओ मैट्री बॉक्स और क्या कहते हैं। तो चलिए बस मैं बना लेती हूँ डिनर, और आज मैंने हेयर वॉश किया हुआ था तो अभी मैंने कंघी करी है बालों में, तो इनको भी मैं जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि मैं खुला बिल्कुल भी नहीं रख सकती गर्मियों में, तो जूड़ा बना के ही रखती हूँ ज़्यादातर, आप लोगों ने देखा ही होगा। और तो चलो बस मैं बना लेती हूँ डिनर, और ब्लाउज आपने देखा कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। बस इतना ही बोलूँगी, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। नेल पेंट निकल गई, जल्दी लगाऊंगी।